दूसरा है एथेनॉल, मेथेनॉल CH3 OH, एथेनॉल CH3 CH2 OH। सबसे पहले हम मेथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेथेनॉल का प्रोडक्शन किस टाइप से करते हैं, किस टाइप से इसका प्रोडक्शन होता है मेथेनॉल का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है मेथेनॉल और एथेनॉल के बारे में। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका है बेटा, इसको बोलते हैं वुड स्प्लिट। क्या बोलते हैं इसको? वुड स्प्लिट। इस एल्कोहल को बोला जाता है वुड स्प्लिट, ठीक है? क्योंकि ये सबसे पहले जो ऑप्टेन किया था ना, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से ऑप्टेन किया था। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड सबसे पहले इसको ऑप्टेन किया था। तो आजकल इसको किससे प्रिपेयर करते हैं? आजकल इसको हम प्रिपेयर करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सर से। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, एक्चुअल में ये क्या है, ये वाटर गैस है, आपको पता होगा वाटर गैस। क्लास 11th में हमने पढ़ा था वाटर गैस, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसके कॉम्बिनेशन से हम तैयार करते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है? क्यूप्रिक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड का मिक्सर लेते हैं और टेम्परेचर लेते हैं 573 केल्विन से 673 केल्विन, 200 to 300 एटमोस्फेयर प्रेशर। ये किस में कन्वर्ट होता है? मीथेनॉल में कन्वर्ट होता है, मीथेनॉल, ठीक है? तो अब इसके जो स्टार्टिंग मटेरियल है ना मीथेनॉल के, स्टार्टिंग मटेरियल मतलब स्टार्टिंग मटेरियल का मतलब है मीथेनॉल किससे ऑब्टेन करते हैं हम? कार्बन मोनोऑक्साइड से और हाइड्रोजन गैस से, ठीक है? इन दोनों को हम किससे ऑब्टेन करते हैं? इन दोनों को हम वाटर गैस से ऑब्टेन करते हैं, ये वाटर गैस से हमें मिलते हैं, ठीक है? या फिर हम इसे और हम इसको किससे ऑब्टेन कर सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम मीथेन के पार्शियली ऑक्सीडेशन से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, पार्शियल ऑक्सीडेशन, हमें क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी और हाइड्रोजन मिलेगी हमें, किसके? मीथेन के पार्शियली ऑक्सीडेशन से। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन किसके काम आएगी बनाने में? ये मिथेनॉल के बनाने में काम आएगी। तो सबसे फर्स्ट मेंबर है किसका? एल्कोहलिक फैमिली का, एल्कोहलिक फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, एल्कोहलिक फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन सा है बेटा? अभी जो हम पढ़ रहे हैं मिथेनॉल CH3, इसे हम बोल क्या बोलते हैं, वुड स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बारे में कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिथेनॉल, सबसे पहले तो ये है कलरलेस लिक्विड, कैसा है कलरलेस लिक्विड विच कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, विच कैरेक्टरिस्टिक्स एल्कोहोलिक स्मेल। सबसे पहला पॉइंट है ये, क्या है? कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड विच कैरेक्टरिस्टिक्स एल्कोहोलिक स्मेल। बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है इसका है 337.5 केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, ये हाईली पॉइजनस है, इट इज हाईली पॉइजनस, बहुत ज्यादा पॉइजनस है इसका, ये जो मिथेनॉल है ना एल्कोहल है लेकिन बहुत ज्यादा पॉइजनस है। स्मॉल क्वांटिटी भी इसकी डेथ का रीजन हो सकती है, ठीक है? अब ये जो है ना मिथेनॉल, इसके काम क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या है, ये वाइडली यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा यूजेज है इसके। तो सबसे पहला हम इसका यूज पढ़ेंगे एज ए सोलवेंट, ये सोलवेंट की तरह काम आता है, सोलवेंट इन पेंट इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज में सोलवेंट की तरह काम आता है, पेंट को डिजोल्व करने में मिथेनॉल को यूज लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, नाम सुना होगा आपने फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? सेकंड इसका यूज है फॉर्मेशन
ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO। इसका यूपीएससी नेम होता है मिथेनेल, मिथेनेल, मिथेनेल। एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइडिक फैमिली, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था बेटा कि अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, अगर हम एल्कोहल का क्या कराते हैं ऑक्सीडेशन, हमें क्या मिलता है एल्डिहाइड मिलता है। तो इसी टाइप से ये एल्कोहल में अगर हम ले लें क्या मिथेनॉल, मिथेनॉल लें, वो इसका हम कराते हैं ऑक्सीडेशन, हमें मिलेगा एच सी एच ओ। एच सी एच ओ एक्चुअल में क्या है, यही तो मिथेनॉल है, मिथेनॉल एल्डिहाइड बनाइए, एल्डिहाइड है ये। तो इसको बनाने में इसका एम इम्पोर्टेंट रोल है, किसका, मिथेनॉल का। अब ये जो मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल, मिथेनॉल का मतलब ये जो एल्डिहाइड बना है फॉर्म एल्डिहाइड, इसको हम जनरल नेम, इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। अब ये फॉर्म एल्डिहाइड का क्या यूज है, इसका यूज करते हैं हम फॉर्मेलिन बनाने में, फॉर्मेलिन। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बायोलॉजी के अंदर जो भी स्पीसीमेन रखे जाते हैं ना, स्पेसिमेन जितने भी डेड एनिमल्स प्रिजर्व किए जाते हैं वो किसमें करते हैं, किसमें करते हैं, वो फॉर्मेलिन में किए जाते हैं, वो फॉर्मेलिन में किए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है केमिकल, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डेड बॉडीज को सड़ने से बचाना, ये डेड बॉडीज को सड़ने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, ये इसको डिकेइंग नहीं होने देता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट रोल है, इसका इम्पोर्टेंट काम है। तो इतना आप लोगों को समझना आया होगा बच्चों, जो मेथनॉल है इसका काम होता है डी नेचर करना, किसको, एल्कोहल के अंदर मिक्स करते हैं, मिथेनॉल को एथेनॉल में मिक्स कर देते हैं, एथेनॉल के अंदर मिक्स किया जाता है, मिथेनॉल को एथेनॉल में मिक्स कर देते हैं ताकि एथेनॉल को कंज्यूम नहीं किया जा सके, इसको खराब करने के लिए, इसको डीनेचर करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो मेथेनॉल इज यूज फॉर डीनेचर्ड ऑफ डीनेचर्ड ऑफ एल्कोहल, डीनेचर्ड करने के लिए, डीनेचर्ड ऑफ एल्कोहल। तो डीनेचर्ड ऑफ एल्कोहल का मतलब होता है जो एथेनॉल है ना बेटा, एथेनॉल जिसको, जिसका कंजप्शन बहुत ज्यादा है, एथेनॉल जो वाइन बियर में और जो भी एल्कोहलिक बेवरेज है उनमें आता है एथेनॉल, इसको पीने के लिए अनफिट बनाने के लिए इसमें क्या ऐड कर देते हैं, मेथेनॉल ऐड कर देते हैं। ये जो है ना मेथेनॉल, ये लीथल होता है, ये लीथल है, मतलब ये अगर इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं तो सबसे पहले तो होता है ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस कम क्वांटिटी कंज्यूम करने से, और अगर इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा अगर कंज्यूम अगर कोई कर लेता है तो सीधी होती है उसकी डेथ, तो इतना ज़्यादा खतरनाक है ये, ठीक है। तो इसलिए एथेनॉल को पीने के लिए अनफिट बनाने के लिए इसके अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, मेथेनॉल को यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रोल है एंटी फ्रिज, ये एंटी फ्रिज की तरह काम करता है, एंटी फ्रिज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। ऑटोमोबाइल के जो रेडिएटर्स होते हैं, कारों के, मोटर गाड़ियों के जो रेडिएटर्स, रेडिएटर्स होते हैं, उनमें एंटी फ्रिज की तरह काम करता है। मतलब ये जो एल्कोहल है ना, एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये पानी को फ्रीज होने से बचाता है, कहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे ऑटोमोबाइल के जो रेडिएटर्स है उसमें एंटी फ्रिज के तौर पे मेथेनॉल का यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, इसको पानी के साथ में मिक्स करते हैं, पानी के साथ मिक्स करके उसको रेडिएटर के अंदर फिल करते हैं ताकि रेडिएटर के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो फ्रीज ना हो सके,
ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने डिटेल में कर लिए। अब हम पढ़ेंगे एथेनॉल के बारे में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे एल्कोहल है सिलेबस में वो है एथेनॉल, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो एथेनॉल आप लोगों को पता है बेटा सबसे इम्पोर्टेंट एल्कोहल है एल्कोहलिक फैमिली का, ठीक है। और इसको किस टाइप से बना सकते हैं, इसको बनाने के काफ़ी मेथड्स है एल्कोहल को बनाने के मेथड्स। सबसे पहला मेथड हम इसमें देख लेते हैं बेटा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अगर हम हाइड्रेशन करते हैं किसका, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वी गेट एथेनॉल। जैसे देखो एल्कीन हमने लिया एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हमें करना है हाइड्रेशन प्लस H2O। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, है ना, 573 केल्विन पे। और यहाँ पे कैटलिस्ट का हम यूज करेंगे, कैटलिस्ट की प्रेजेंट में 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्या बनेगा, एथेनॉल CH3CH2OH। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये H2O में से एक एच यहाँ जाएगा और जो OH है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। वो सिंपल है, सबसे ज़्यादा औद्योगिक पैमाने पर अगर हमें बनाना है एथेनॉल को, इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर हमें एथेनॉल को बनाना है तो हम इस मेथड का यूज नहीं लेते, क्योंकि इस मेथड से जो हमें एल्कोहल मिलेगा बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है। तो मेन जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है वो होता है मोलेसेज से। अब मोलेसेज क्या होता है, मोलेसेज होता है जब हम जो शुगर फैक्ट्री होती है, शुगर फैक्ट्री में शुगर कैसे बनाते हैं, गन्ने से बनाते हैं। तो गन्ने से बनाने के बाद में जो रो शुगर होती है, जिसके अंदर अभी भी रो शुगर जो सबसे बाद में शुगर बनाने के बाद में जो बचा हुआ जो रो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं रो शुगर। शुगर ऑब्टेन करने के बाद में जो सब्सटेंस बचता है उसको बोलते हैं रो शुगर, वही होता है मोलेसेज। इसमें अभी भी क्या होती है, 40% शुगर होती है। इसमें क्या होती है, अभी भी 40% शुगर मिलती है, जिसे हम बोलते हैं रो शुगर, उससे बनाते हैं, ठीक है। और तरीका क्या क्या है, और तरीका बेटा सुक्रोज, सुक्रोज से भी सुक्रोज से सबसे पहले क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से फिर क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज से फिर एथेनॉल बना सकते हैं। तो देखो मेथड्स क्या है, देखो सुक्रोज से फ्रॉम शुगर, शुगर से कैसे बनाएंगे, देखो फ्रॉम शुगर, या मोलेसेज से कैसे बनाएंगे, जो अभी हमने पढ़ा है ना ये मोलेसेज, मोलेसेज में अभी हमने बताया था कि 40% उसमें क्या होती है, शुगर होती है। इसमें 40% अभी भी क्या रहती है, शुगर रहती है, ये रो शुगर होती है। मतलब शुगर को ऑब्टेन करने के बाद में भी गाढ़ा ब्राउन कलर का मेटेरियल पड़ा रहता है, तो ये गाढ़ा ब्राउन कलर का, डेंस ब्राउन कलर का जो मेटेरियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलेसेज कहते हैं। उस मोलेसेज में 40% शुगर होती है, उस शुगर से एल्कोहल कैसे बनाते हैं ये तरीका है। देखो तो शुगर का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता होगा, शुगर को हम सुक्रोज बोलते हैं, फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला बता रहा हूँ, C12H22O11, ये सुक्रोज है, सुक्रोज इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। इसका क्या होगा बेटा, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है इन्वर्टेज, ये एंजाइम का नाम है INVERTAGE, इन्वर्टेज एंजाइम, इसके प्रेजेंस में ये ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बनाता है, ग्लूकोज के क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये जो ग्लूकोज बना है C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है ये जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम, इसके प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा, एथेनॉल में C2H5OH एथेनॉल में कन्वर्ट होगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो इस तरीके से एथेनॉल बनाया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई बच्चों।
हाँ, अब इसके प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। प्रॉपर्टीज क्या क्या है इथेनॉल की, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड विद कैरेक्टरिस्टिक्स एल्कोहलिक स्मेल। एल्कोहलिक स्मेल होती है, और क्या है ये, लिक्विड है। नेक्स्ट इसका है बॉइलिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन, इसका मतलब ये 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपको पता होगा बेटा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 333 केल्विन। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल कितना है, सिर्फ 78 डिग्री सेल्सियस, ये बात आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट है बेटा, ये हाईली सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल है, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल हो जाता है, कितना भी अमाउंट में पानी में डालो घुल जाएगा ये आराम से, ठीक है। तो ये इसकी कुछ क्या हो गई, जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम इसकी पढ़ लेते हैं, इसके यूजेज क्या क्या है, यूजेज ऑफ एल्कोहल, इसके एथेनॉल के यूजेज हम पढ़ेंगे बेटा, यूजेज ऑफ एथेनॉल। यूजेज ऑफ एथेनॉल, तो सबसे पहला यूज हम पढ़ेंगे इसका बेटा, एंटीसेप्टिक इन द रेक्टिफाइड, इट इज एंटीसेप्टिक इन द फॉर्म ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। बताएंगे अभी रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। फिर है इम्पोर्टेंट सब्सटेंस ऑफ एल्कोहलिक ब्रेवरेज लाइक, ये क्या है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका, एल्कोहलिक ब्रेवरेज का। तो एल्कोहलिक ब्रेवरेज में क्या क्या आ जाएगी, बियर है, रम है, विस्की है, ब्रांडी है, ये सभी क्या आ जाएगी, एल्कोहलिक ब्रेवरेज के अंदर आती है। नेक्स्ट है इसका, इन द फ्यूल, इट इज यूज इन द फ्यूल इन स्प्रिट लैम्प एंड स्टोव, स्प्रिट लैम्प और स्टोव में इसका फ्यूल के तौर पर भी ये यूज होता है, यूज एज ए फ्यूल। नेक्स्ट है इसका यूज है पावर एल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूज एज ए पावर एल्कोहल। अब ये पावर एल्कोहल क्या होता है, देखो ध्यान से देखेंगे, जो गैसोलीन होती है, गैसोलीन, तो गैसोलीन एक्चुअल में क्या होती है, गैसोलीन एक्चुअल में पेट्रोल का फॉर्म होता है, इज ए टाइप ऑफ है पेट्रोल। तो आप लोगों को पता है अभी पेट्रोल के जो रेट है वो ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अभी क्या किया जा रहा है, पेट्रोल के अंदर 100% जो एल्कोहल है ना, जिसे हम बोलते हैं मतलब एब्सोल्यूट एल्कोहल, 100% एल्कोहल, ये इसमें मिक्स किया जाता है, इसमें एल्कोहल मिक्स करते हैं। और कौन सा एल्कोहल मिक्स करते हैं, एथेनॉल मिक्स करते हैं, एथेनॉल इसमें मिक्स किया जाता है। और रेशियो क्या रखते हैं, रेशियो रखते हैं 80% पेट्रोल होगा उसमें, 80% पेट्रोल होता है, और ये जो एल्कोहल है ये सिर्फ होता है 20%। इसका जो रेशियो है, इस रेशियो को हम बोलते हैं पावर एल्कोहल, ठीक है। इसका यूज किया जाता है आजकल ऑटोमोबाइल्स में, तो इसका सिग्निफिकेंट रोल क्या है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, मतलब ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, मतलब इससे जो हीट जो प्रोड्यूस होती है ना, या जो इंजन की जो एफिशिएंसी है, डीजल या जो पेट्रोल इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ये क्या होता है, लेस पोल्यूटेंट होता है, ये बहुत कम पोल्यूशन करता है, लेस पोल्यूटेंट मतलब पोल्यूशन बहुत कम करता है ये, ठीक है। तो ये इसके कुछ हो गए इम्पोर्टेंट रोल। अब हम पढ़ लेते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है, तीन चार टर्म्स है बेटा जिसे हमें फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक होता है एब्सोल्यूट एल्कोहल,
पावर एल्कोहल अभी हमने डिस्कशन कर लिया, ये पावर एल्कोहल है, अभी हमने बताया ये पावर एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल के बारे में पढ़ लेंगे, मिथाइलेटेड या डीनेचर्ड स्प्रिट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दो तीन टर्म्स है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है। बहुत बार कंपटीशन में पूछ देते हैं और हमें पता ही नहीं होता है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब हम पढ़ लेते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या है। जैसा कि नाम से ही पता है, एब्सोल्यूट एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब होता है 100% प्योर एल्कोहल। जो हम एल्कोहल यूज करते हैं ना बेटा सैनिटाइजर वगैरह में, जो एल्कोहल हम यूज करते हैं ना एज ए सैनिटाइजर, उसमें एल्कोहल होता है 25-30%, सिर्फ इतना ही एल्कोहल होता है, बाकी पानी होता है। ठीक है, सैनिटाइजर में जो हम एल्कोहल यूज करते हैं, जो हम बोलते हैं एल्कोहल है, एल्कोहल है, तो उसमें सिर्फ 25-30% एल्कोहल ही होता है, ज्यादा एल्कोहल उसमें नहीं होता है। बात समझ में आ रही है आपको? एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है, 100% प्योर एल्कोहल को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल। इट इज 100% प्योर एल्कोहल, और 100% प्योर एल्कोहल को ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, ये बहुत महंगा भी होता है एब्सोल्यूट एल्कोहल। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? तो एक्चुअल में जो इस एल्कोहल होता है जिसे हम प्योर एल्कोहल बोलते हैं, जिसे हम प्योर एल्कोहल कहते हैं, ये मैं एब्सोल्यूट एल्कोहल की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ प्योर एल्कोहल की बात कर रहा हूँ, जो जिसे हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये होता है बेटा 95.6% प्योर एल्कोहल। इस रेक्टिफाइड स्पिरिट से क्या बनाया जाता है? एब्सोल्यूट एल्कोहल बनाया जाता है। तो इसकी जो रिएक्शन है वो किससे कराते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं इसकी रिएक्शन। किससे कराते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड से। तो इसके अंदर जो 4.4% अभी भी पानी है ना, इसमें देखो 95.6% प्योर एल्कोहल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। इससे क्या बनाया जाता है? एब्सोल्यूट एल्कोहल बनाया जाता है। तो इसमें अभी भी क्या है, 4.4% वाटर है। इस वाटर की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? लाइम, चूना है ये। इसका काम क्या होता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें जो मॉइस्चर है ना 4.4% के मॉइस्चर, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बना देगा? एब्सोल्यूट एल्कोहल बनेगा। अब एब्सोल्यूट एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है, अभी हमने पढ़ा था 351 केल्विन। ठीक है, पावर एल्कोहल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इम्पोर्टेड एक टर्म पढ़ लेना है, मेथिलेटेड स्प्रिट। मेथिलेटेड और डी नेचर्ड स्प्रिट क्या होते हैं, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इससे आप लोगों को पता होना चाहिए। मिथाइलेटेड, मिथाइलेटेड, मिथाइलेटेड इसको बोलो, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं इसको डी नेचर्ड, डी नेचर्ड स्प्रिट। तो जो एल्कोहल है ना, एल्कोहल का मतलब हम यहाँ पर क्या समझेंगे, एथेनॉल से, एथेनॉल, एथेनॉल। इसको ड्रिंकिंग के लिए, अनफिट बनाने के लिए इसको क्या बना देते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेथाइलेटेड या डी नेचर्ड स्प्रिट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि लोग इसको कंज्यूम नहीं कर सकें, क्योंकि ये जो एल्कोहल है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या होता है, कंट्रोल होता है। ऐसे एल्कोहल को किसी भी स्टेशनरी शॉप पे या ग्रोसरी के शॉप पे ये मिलती नहीं है एल्कोहल, आप ये बात ध्यान देंगे बेटा। जो पीने वाली जो एल्कोहल होती है, ये हर एक शॉप पे नहीं मिल सकती, गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो एल्कोहल इज यूज इन लार्ज क्वान्टिटीज इन द मैनुफेक्चर ऑफ एल्कोहलिक लिकर्स। तो मतलब एल्कोहलिक लिकर्स बनाने में एल्कोहल, एथेनॉल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड फेमस है ये, वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इसका कंजप्शन होता है, डेली का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये अगर एल्कोहल का, एथेनॉल का स्मॉल क्वांटिटी में अगर कोई यूज करता है, तो उसके जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करती है, नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करती है। ठीक है,
अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ये कंज्यूम की जाए तो ये क्या होती है, लीवर पे और किडनी पे, लीवर और किडनी पे हार्मफुल इफेक्ट डालती है। ठीक है, अब ये मिथाइलेटेड स्प्रिट क्या होती है, मतलब ये जो एथेनॉल है ना, इसलिए एथेनॉल के ऊपर सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा रखा है। इसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा है, जो भी लिकर्स वगैरह बिकती है या अल्कोहलिक ब्रेवरेज जो भी बिकते हैं, मिलते हैं, जो भी वाइन शॉप वगैरह पे मिलते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ऑर्डनरी पीपल जो भी है उसको कम से कम यूज कर सके, ताकि इसके ऊपर, इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया है। क्योंकि एक्चुअल में ये क्या करती है, ये हार्मफुल इफेक्ट करती है हमारे बॉडी के लिए, काम की नहीं है ये। जो भी अल्कोहल ब्रेवरेज होती है वो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, क्योंकि ये लीवर को और किडनी को क्या करती है, डैमेज करने का काम करती है। तो अब क्या है, जो अल्कोहल है, अल्कोहल इंडस्ट्रीज की मेन मांग होती है। एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री में काम आने वाला सब्सटेंस है। तो एथेनॉल अगर बहुत ज़्यादा महंगा होगा, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगी, तो क्या होगा, इंडस्ट्री के पास में ये एथेनॉल बहुत महंगा आएगा, और महंगा आएगा तो क्या होगा, जो भी इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट जो इससे प्रोडक्ट बनने वाले जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करती है, इसको डीनेचर करवा देती है। डीनेचर करवाने का मतलब है अल्कोहल को पीने के लिए अनफिट बना देती है। अब ये अनफिट कैसे बनता है, अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर जो एथेनॉल है, एथेनॉल, ताकि इसको लोग कंज्यूम नहीं कर पाए, इसके अंदर क्या मिला दिया जाता है, इसमें मिला दिया जाता है लीथल, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस चीज़, क्या मिला देते हैं, मेथेनॉल मिला देते हैं। एथेनॉल में क्या मिला दिया, मेथेनॉल मिला देते हैं, और इसको कलर देने के लिए इसमें मिला देते हैं कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, और साथ में इसमें क्या मिला देते हैं, इसमें लिक्विड रबर मिला देते हैं, रबर, लिक्विड रबर ये मिला देते हैं। तो ये एथेनॉल में ये चीज़ें मिला देते हैं, तो एथेनॉल क्या हो जाता है, पीने के लिए अनफिट हो जाता है। इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, एंड दिस टाइप ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड मिथाइलेटेड और डीनेचर्ड स्प्रिट। इसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइलेटेड और डीनेचर्ड स्प्रिट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ताकि लोग इसको कंज्यूम नहीं कर पाए, क्योंकि इस टाइप के अगर अल्कोहल को कंज्यूम करेगा कोई तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया बच्चा। अब एक और आप लोगों को ध्यान देना है बेटा, जो हम फिनोल हमने पढ़ के आए हैं, फिनोल, फिनोल, फिनोल का एक और नाम है, जो हमने बताया या नहीं बताया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, उसका नाम है कार्बोलिक एसिड। उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, कार्बोलिक एसिड फिनोल को जानते हैं, क्योंकि ये जो फिनोल है ना, फिनोल ये एसिडिक नेचर शो करता है, ये एसिडिक नेचर शो करता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है, फिनोल के, फिनोल के यूजेस सबसे पहला अब पढ़ ले, थोड़ा दो दो पॉइंट हम फिनोल के बारे में पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ फिनोल, फिनोल ये फिनोल है बेटा, अगर किसी को अभी तक पता नहीं हो फिनोल क्या होता है, ये फिनोल का फॉर्मूला है। अब इसके यूजेस क्या क्या है, यूजेस सबसे पहला इसका यूज है बेटा, एंटीसेप्टिक के तौर पे इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज एट एंटी सेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन एज ए डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी फिनोल को हम यूज करते हैं। अगर हम देखो ध्यान से देखेंगे, देखेंगे बेटा, अगर हम फिनोल का 2% सॉल्यूशन ले लेते हैं, अगर हम 2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल यूज करते हैं, 2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल किसकी तरह काम करेगा, एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। ठीक है, 2% सॉल्यूशन मतलब अगर हम, हमारे पास में 100 ml वाटर है, 100 ml,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जबकि ये जो फिनोल है ना, पानी में डिजोल्व नहीं होती। फिनोल क्या है बेटा? ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड है, तो पानी में डिजोल्व नहीं होगी। सपोज मैं बात कर लेता हूँ बेंजीन की, हमारे पास में 100 ml बेंजीन है या कार्बन डेटा क्लोराइड है जिसके अंदर ये डिजोल्व हो सकती है। 100 ml, 100 ml में सिर्फ 2 ग्राम हम क्या डालेंगे, 2 ग्राम फिनोल डालेंगे, 2 ग्राम फिनोल डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका 2% सोल्यूशन हो जाएगा। और जो 2% सोल्यूशन है वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक है। और 2% से ज़्यादा अगर हम फिनोल यूज़ करते हैं ना, तो इसको किसकी तरह यूज कर सकते हैं, उसको हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, फ्लोर वगैरह मोपिंग वगैरह में इसको काम में ले सकते हैं फिनोल को, ठीक है। साथ में इसका यूज और क्या क्या होता है, इसको इसका यूज होता है केमिकल ड्रग्स बनाने में, जैसे एस्प्रिन है, आप लोगों ने नाम सुना होगा एस्प्रिन का, है ना, एस्प्रिन बनाने में इसका यूज होता है। साथ में सेलिसिलिक एसिड, इस सेलिसिलिक एसिड बनाने में, सेलिसिलएल्डिहाइड बनाने में इसका यूज होता है। साथ में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, यूज है बेकेलाइट बनाने में इसका यूज होता है। इट इज यूज टू फॉर्म बेकेलाइट प्लास्टिक। आप लोगों ने घरों के ऊपर सिंटेक्स की टंकियां देखी होगी, सिंटेक्स के पानी की जो कंटेनर बड़े-बड़े 500 ml के, 500 लीटर के, 1000 लीटर के आपने सिंटेक्स की टंकी देखी होगी, स्टोरेज के लिए रखते हैं ऊपर, है ना, सिंटेक्स की ब्लैक कलर की। ये जो प्लास्टिक है ना, ये बेकेलाइट प्लास्टिक है, इसको यूज इसको बनाने में फिनोल का यूज होता है। और आपने एक इंडिकेटर भी यूज किया होगा लेबोरेटरी के अंदर, फिनोप्तेलिन। फिनोप्तेलिन बनाने में फिनोल का यूज किया जाता है, फिनोप्तेलिन बनाने में फिनोल का यूज किया जाता है। साथ में इसका फॉर्मेशन, इसका यूज किया जाता है एजो डाई बनाने में, एजो डाइज बनाने में किसका यूज करते हैं, फिनोल का यूज किया जाता है। इसी टाइप से इसका यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव ऑफ इंक, एजोटाइप बनाने में। और एक सॉल्वेंट है साइक्लोहेक्सेनॉल, जिसका यूज हम करते हैं रबर इंडस्ट्रीज में, इसका यूज करते हैं हम बनाने में साइक्लोहेक्सेनॉल, जिसका यूज करते हैं किसमें, रबर इंडस्ट्रीज में। ये सॉल्वेंट की तरह काम आता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके बारे में बेटा, फिनोल के बारे में। आज सभी बच्चों को समझ में आ चुके होंगे।